बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन अस्सलाम अलैकुम। नाजरीन सब तो पहला तो तुसना बेनता शुक्रिया तुसा आज असने वीडियो तकने वास्ते टाइम कढ़िया। ते नाजरीन सर्दी है नाल चाह भी पीसा ते नाल तुसा नाल गल्लां शल्लां करसा। जी नाजरीन अज गल असां करनी है सेहत ने बारे विच। ते दूसरा ये है कि परेशानियां कियां ज़्यादा हो गई हैं ते खुशी जड़ी है ना वो असने कोल कियां निशनी। जी नाजरीन जिला असां नज़र मारने अपने माशरे विच ते असां तकने हैं कि असने गिरदो नवाह विच रोज़मर्रा बेशुमार वाकियात होने ना जिस विच काफ़ी दुख नियां खबरां भी होनियां ना। ते एक तो ये मेरा मशवरा वै जिहड़ा ना कि असां जिल्लै हद तों ज़्यादा परेशान हो जाने ते खासकर जिहड़े बंदे न्यूज़ तकने न असां न्यूज़ तकनी घट कर छोड़ा या छोड़ दें जिहड़ा ना, क्योंकि दुनिया विच इस वेले तबाही और बर्बादी है। और दूसरा ये है कि असां अपनी खानदान की टाइम दें अपने बच्चों की माँ बाप की तको हूँ कि मोटापा जड़ा वै ये बहुत ज़्यादा हो गया वै। इस नीक वजह वै कि मार्केट इस वेले इतनी ज़्यादा मुजर जड़ियाँ सेहत वास्ते चीज़ा वो आई गई जिस खासकर जरा शुगर ना इस्तेमाल जरा बहुत ज़्यादा किया जाना और नीमक ना। तो डॉक्टर आखन कि ये जड़ा चिट्टा जहर इसकी असं आखी सकने चीनी की नीमक की जड़ा ना। ते चीनी जड़ी है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जानी है। हूँ असा हर रोज़ जड़ा ना रोटी खाने आ, कुछ बंदे चावल खाने न, रोटी विच भी शुगर है, चावलों विच भी शुगर है। फिर असा कोई मिठी चीज़ गजरेला बनाई किनसा या हलवा बनाई किनसा या और कोई चीज़ बनाई किनसा उस विच भी शुगर है। उस तो बाद फिर सेने तो पहला फिर कोई चॉकलेट खाई किनसा, चाह पी किनसा दो चमचा उस शुगर दी बाई किनसा। तो सारी जल्द सुबह तो शाम तक असा गठी करसा तो असं को बेशुमार शुगर हो गया, जितनी जरूरत है उस तो कई गुना ज़्यादा असं शुगर ना इस्तेमाल करी छोड़ने। ते एक तो माड़ा ये मशवरा है, मैं ना तो कोई डॉक्टर हाँ ना हकीम, लेकिन एक मशवरा वै कि शुगर ना इस्तेमाल तुसा छोड़ दियो, खासकर जिन्होंने जिसम बहुत ज़्यादा फुली गए और उन्होंने खासकर माड़े वो भैन तो भरा जिन्होंने हाले शादी भी कोई हुई ते उन्होंने मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया वै। ठीक है, ते वो फिर जरा शादी वास्ते भी मसले मसायल बनने न। ते ये है कि जरा ना शुगर तुसा घट करो छोड़ो और एक्सरसाइज जी ना करो। जितने भी नौजवान न कम अज़ कम एक घंटा तुसा वॉक करो, 24 घंटे अल्लाह ताला संगी दिते दिन रात विच जिस विच तुसा 23 घंटे अलादा करी छोड़ो, एक घंटा अपनी जात वास्ते जरा ना वो कड़ी किनो। ठीक है, वॉक करो तुसा। और मेरा ये मशवरा वै कि असने घर विच असने माँ बाप न वो भी कहना बुजुर्ग कुछ जने हो गए ते कुछ जने जड़े न होन लगे हुए न, ते उन्हां की भी नाल वॉक उपर जड़ा न खड़ो। यकीनन वो घंटा मुमकिन है कि ना करी सकन, कुछ वालदैन असने घंटा टुरी भी सकने न, तकी कि उन्होंने सेहत किस तरह नहीं है। ते कुछ ऐसे न कि वो बिल्कुल ही नहीं टुरी सकने, उन्होंने वास्ते बाहर जाना इनता ही मुश्किल है। उन्होंने वास्ते ये है कि उन्हें कि 4 या 5 मिनट अपन शुरू करो जड़ा ना कम अज़ कम ताज़ी हवा बाहर लगे, 4-5 मिनट जल्द टुरसन अगले ध्याड़ा 1-2 मिंट 3 मिंट वधाई छोड़ो, 10 मिनटों मर कि नहीं खड़ो आस्ता आस्ता, जितना वो टुरी सकने उतने उन्होंने नाल टुरो। फिर यह है कि असने वालद साहब जेडे ना मस्जिद जाने नमाज पढ़ने वास्ते जमात नाल असा नमाज पढ़ा, असा अपने अबू जी नाल मस्जिद च लगे जा। दो चीज़ा हो सन, एक तो अल्लाह ना फर्ज अदा हो सी, एक वालदैन असने खुश हो जा सन। असा मस्जिद जाने ने टाइम ही वालद साहब ना गल्ला करा और वापस जल अच्छा उस गल बात करा, तो एक्सरसाइज भी हो सी, नमाज भी हो सी, वालदैन दुआव भी मिल सन। तो फिर यह है कि असने अजीजो कारब जड़े न दुनिया चु चले गए, कब्रस्तान असने कोल न, असा अपने घर वाल कब्रस्तान च जाई सकने जड़ा ना। असा चलो अगर रोज़ ना जाई सकां तो कम अज़ कम हफ्ते च एक बार जरा असं कब्रस्तान च लगे जा, क्योंकि कब्रस्तान जल्द असं जाने असानी मौत याद इशनी है, असने दिल नरम होने न उस फातिहा खानी करके अपने रिश्तेदार अजीज़ और कारब और पूरे उस कब्रस्तान जितने मुसलमान
मदफून सारिया वास्ते दुआ जी अज असा किसी वास्ते दुआ कर सा कोई कल असा वास्ते कर सी ये छोटिया छोटिया गल् फिर दोस्तों यार असं वॉक पर जाई सकने उस तो बाद जड़ा ना और इस तरह ने छोटे छोटे अगर असा प्रोग्राम कर सा तो असानी सेहत भी ठीक हो सी और असाना टाइम भी गुजर सी बजाय इसने कि यह टाइम असा दुए पास मतलब है जड़ा ना खर्च करी छोड़ने जिस विच टीवी है उस तो बाद इंटरनेट बाकी मामलात जड़े न मीडिया पर असा इतना ज़्यादा टाइम मतलब करी छोड़ने तो उस विच अच्छिया चीज़ा भी हैं बुरिया भी हैं अक्सर बंदे अच्छिया भी तकने लेकिन ज़्यादातर मैं बंदे तकिया कि बुराइया वाले पास है और जिन्हों में तंज मजा या इस तरह दीज़ा फजूल जी चीज़ा जिस कोई मकसद कौन जड़ा ना तो बाद हसने जोर जोर न बफूफा जरा चार चार पाँच पाँच मिनट में वीडियो तक ही छोड़ने तो एक अच्छी वीडियो है तो उन्हें तकन अगर थोड़ी जी तक सन बस जरा अगर टूरी पे सन तो इस तरह जितना ज़्यादा असा इस चीज़ की इस्तेमाल कर सा तो फोन की टीवी की तो असानी अखा पर असर पे सी असाने दिमाग पर असर पे सी असानी सेहत खराब हो सी अपना लाइफ स्टाइल जरा आस्ता आस्ता चेंज करो कोई मुश्किल नहीं ना मुमकिन नहीं खासकर वीकेंड सैटरडे संडे छुट्टी होनी है कुछ वीकडे की बंदे छुट्टी करने वो क्या करने कि फिर राती मतलब है फिल्मा ड्रामे तकने या और मामलात उन्होंने जो भी जिंदगी ने तो बड़े देर तक त्रै त्रै चार चार पाँच पाँच हो जाने सैने फजर ने नमाज भी नहीं पढ़ने और जल्द सवेरा उठने तो उस वेल सवेरा उन्हें क्या उठना वा उन्हें उठना कुछ जोर या असर ने टाइम तो थोड़ी देर बाद फिर नेरा पी जाना तो फिर जनाब सिरे के हाथ मारसन जी उसने सिरे की बड़ा सख्त दर्द हो गया वे पैरासीटामोल पैनाडोल इस तरह गोलियां खासन तो फिर मतलब कि उन्हें अल्लाह ताला ने जरा निज़ाम है उसने मुताबक नहीं चले जरा ना तो फिर डिस्टर्ब तो बंदा होना वे सेहत खराब होनी जरा अगर तुस हदीस ना मफहूम है कि इशा ने नमाज पढ़ के टाइम ना सही जाओ तो फजर वास्ते तुम जागो अगर फजर वास्ते तुम जागने थोड़ी वॉक करो चाह शाह पियो तो यकीन करो कि पूरा दिन तुसा ना अच्छा गुजर सी बिल्कुल फ्रैश हो जासो तुसा जड़ा ना तो नाजरीन तुसा ना मैं बेनता शुक्रिया अदा करना वा कि तुसा माड़ी वीडियो तकने हो तो मैं एक मेरा शौक है मैं वर्कशॉप करना नाल तुसा की भी दसना है गल्ला तुसा नाल भी मैं जुड़े आवा खासकर आज़ाद कश्मीर ने माड़े यूट्यूब पर निदनान भाई ने अब्दुल कादर साहब ने उस तो बाद रजब भाई ने डॉक्टर कदीर साहब ने और एक लंबी फहरिस्त है चौधरी शकील साहब ने चौधरी सुफियान साहब ने चौधरी जैद साहब चौधरी जहीर साहब जैद साहब जड़े न वो सऊदी अरब होने तो अल्लाह ताला उन्होंने वास्ते आसानियाँ फरमाए और भी जितने असाने मतलब है परेशान लोग न सारे वास्ते परेशान आसानियाँ अता फरमाए बेशुमार माड़े यूट्यूब पर भ्रा उत्थे मैं सुनने उस तो बाद जावेद भाई साहब ने असद करीमी साहब ने यकीन करो इतने प्यार मुहब्बत नाल असां एक फैमिली ग्रुप बनाए आवे तो उस विच असां की पता लगना कि असां एक सारे घर ने मैंबर हाँ इस वजह तो कि असां मुसलमान अलहमदुल्ला इखलाक आई गो असा इस टाइम जरा ना अपनी लैन पर उलथे हैं लेकिन फिर भी 100% ये ना आखी सकने के बाद इखलाके अच्छे लोग मौजूद ने इस वेले और खासकर असा खिता आज़ाद कश्मीर इसने पहचान इखलाक नहीं है मुहब्बत नहीं है प्यार नहीं है सादगी नहीं है और इन भ्रावों में पाया जाना है असा फिर उस ग्रुप एक दूए ने गलबात भी करी सकने मसले मसायल आज़ाद कश्मीर ने होने या मुख्तलिफ किस्म के मौजू पर असा गलबात करने गलबात करने असा जहन जरा ने सुकून चैशना लेकिन एक हद तक ये नहीं कि 24 घंटे उस पासा लगी जा तो अपने खानदान की टाइम छोड़ा हर जगह जरा ना अपना टाइम रखा जरा ना ठीक है इतना टाइम इतने देना इतना इतने देना इतना इतने देना तो इनशाला सानिया रेसन जरा ना एक दो मिनट की वीडियो अगर अगर तुम तको तो ये वीडियो तुम सारी तकिया करो लाइक करो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना और जो नवे बंदे चैनल सबसक्राइब करो इस वजह तो कि इस चैनल पर एक अच्छिया वीडियो मिल सन जो अपने फैमिली नाल बह के आराम नाल तकी सकने मालूमती वीडियो हो सन और अल्लाह ताला ने सारी जमीन है मशरक मगरब शुमाल जनूब कोई भी मुल्क है ये मतलब है चलो असा सरहदा बनाई पहचान वास्ते लेकिन है तो अल्लाह ताला ने जमीन है जिथे भी तुसा जिस मुल्क भी है वो अल्लाह ताला तुसा की सलामत रखन उधर दी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई के तुसा भी जरा अपलोड करो तो दसो तको जी मेरे अल्लाह मतलब ये चीज़ा बनाई तको हूँ जिथे मैं बैठे हाँ लकड़ी कट्टी के इन्ना रखी है कितनी खूबसूरत है इधर नाल पानी जान लगे आ बाकी हूँ तुसा अगर वीडियो एक दो मिनट तको मैं तुम इजाजत कि ना अल्लाह हाफिज़ बहुत ज़्यादा तो सना शुक्रिया बहुत मेहरबानी हौसला अफजाई करने हो जितना भी यूट्यूब मैं पैसे देसी अर्निंग हो सी वो सारी गरीबों पर तकसीम की जैसी एक पेमेंट मेरी आई गई है दुई ने अद्धे पैसे होए न
दुई ने मुकम्मल पैसे होवन तो फिर यह सिलसिला जरा असा शुरू करना वै इंशाल्लाह 100% गरीबा पर होमलैस पीपल जो बेघर लोग ने उन्हें पर तकसीम किया जा सी। अल्लाह ताला तुसा की तुसा ने सारे खानदान की पूरी उम्मत मुसलमान की और पूरी इस दुनिया की या अल्लाह मना गुवारा बना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके वसीले ना या अल्लाह करम कर दे, फजल कर, मेहरबानी अता फरमा और अमन ही अमन होवे पूरी दुनिया में। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Come on.